साथियों सेना को मजबूत करने की बात हो या फिर शहीदों को सम्मान कुछ लोगों के लिए देश से भी बड़ा अपना परिवार है परिवार के हित है आज देश को राष्ट्रीय समर स्मारक मिलने जा रहा है लेकिन राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल की भी तो यही कहानी थी इस मेमोरियल को बनाने और राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला करीब ढाई दशक पहले इस स्मारक की फाइल चली थी बीच में अटल जी की सरकार के समय बात आगे बढ़ी लेकिन उनकी सरकार के जाने के बाद स्थिति फिर से जस की तस हो गई साथियों आज देश का हर फौजी हर नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर शहीदों के साथ हमारे नायकों के साथ ये बर्ताव क्यों किया गया देशवासियों के साथ शहीदों के परिवारों के साथ देश के लिए खुद को समर्पित करने वाले महानायकों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया गया आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से किसी का ध्यान शहीदों के लिए स्मारक पर नहीं गया भाई और बहनों इंडिया फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट इंडिया फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का जो अंतर है वही इसका जवाब है स्कूल से लेकर अस्पताल तक हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक स्टेडियम से लेकर अवार्ड तक हम देखते आ रहे थे हर जगह एक ही परिवार का नाम जुड़ा रहता था एक ही परिवार के गुणगान का परिणाम उसका दुष्परिणाम ये निकला कि इनकी सरकारों में भारत के इतिहास भारत की महानता या फिर भारत की परंपरा को कभी महत्व मिला ही नहीं इसलिए सरकार में आने के बाद हम स्थिति को बदलने में हर तरह से जुटे गए आज सरदार पटेल हो या बाबा साहब आंबेडकर हो या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो हमारे राष्ट्रपुरुषों को राष्ट्र के गौरव के साथ न्यू इंडिया की आत्मा उसकी पहचान के साथ जोड़ा गया है साथियों मेरा यह भी स्पष्ट मानना है और ये मैं दिल से बताता हूं मेरा स्पष्ट मानना है कि मोदी महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि इस देश की सभ्यता संस्कृति और इतिहास सबसे ऊपर है बोधी याद रहे न रहे परंतु इस देश के करोड़ों लोगों के त्याग तपस्या समर्पण वीरता और उनकी शौर्य गाथा अजर अमर रहनी ही चाहिए